क्या 2022 में मेटा कीवर्ड्स यूजफुल है, क्या उन्हें हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए। बहुत से SEOs कहते हैं इन्हें कंसिडर करना चाहिए और कुछ SEOs कहते हैं इन्हें कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आपको हजारों जवाब मिले होंगे, फिर भी इस क्वेश्चन का जवाब आप अभी तक ढूंढ रहे होंगे। हेलो गाइस, दिस इज अनीश फ्रॉम इनोस्को डिजिटल एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेरीज रिलेटेड टू मेटा कीवर्ड्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी है मेटा कीवर्ड्स होते क्या हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और इन्हें हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। मेटा कीवर्ड्स उन्हें कहा जाता है जो आपके वेब पेज के HTML कोड के अंदर ऐड किए जाते हैं एंड इट हेल्प्स इन इंफॉर्मिंग द सर्च इंजन अबाउट द कॉन्टेंट ऑफ योर पेज। अब बात करते हैं कि मेटा कीवर्ड्स अभी भी इम्पॉर्टेंट है या नहीं। इसका सीधा सा जवाब है, मेटा कीवर्ड्स अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मेटा कीवर्ड्स यूज़ भी करते हैं तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं हो रहा, ना ही आपके कोई पैसे खर्च हो रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी साइट्स अभी भी मेटा कीवर्ड्स यूज़ करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइंग मशीन, मेक माई ट्रिप एंड और भी ऐसी बहुत सी साइट्स है जो अभी भी मेटा कीवर्ड्स यूज़ कर रही है। सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेटा कीवर्ड्स। सबसे पहले हम फ्लाइंग मशीन का सोर्स कोड देखते हैं। जैसे ही आप साइट खोलेंगे, राइट क्लिक करके आप पेज सोर्स पे जाइए, फिर आप कंट्रोल F करके कीवर्ड सर्च करिए। फिर जो आपको ये दिखाई दे रहा है मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, ये आपके मेटा कीवर्ड्स है। और ये जो कंटेंट के अंदर आपको कोटेशंस दिख रहे हैं, इतने सारे कीवर्ड्स, ये सारे आपके मेटा कीवर्ड्स हैं। इस पेज के ये सारे मेटा कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे पेज पर आते हैं तो उस पेज का सोर्स कोड अलग होगा। जैसे कि इस पेज का अगर अपन सोर्स कोड देखते हैं तो वापस कंट्रोल F कीजिए, कीवर्ड सर्च कीजिए। अब इस पेज के मेटा कीवर्ड्स देखिए, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स और इस पेज के कंटेंट के अंदर जो कोटेशंस है उसके कीवर्ड्स एकदम डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं हर पेज के अलग अलग मेटा कीवर्ड्स होते हैं। अब हम मेक माई ट्रिप का सोर्स कोड देखते हैं। ये मेक माई ट्रिप की वेबसाइट है, इसमें भी आप सोर्स कोड पे जाइए और यहाँ पे कंट्रोल F करके कीवर्ड सर्च करिए। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा वही सेम स्ट्रक्चर, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स और कंटेंट में आपको कोटेशंस के अंदर ही बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। इंडिया ट्रैवल, ट्रैवल इन इंडिया, चीप एयर टिकट्स, ये सारे मेटा कीवर्ड्स है। इसके अलावा अगर आप मेक माई ट्रिप के किसी दूसरे पेज पर जाते हैं, उसका भी सोर्स कोड एक बार देख लेते हैं। सेम हमने कंट्रोल F करा और फिर कीवर्ड सर्च करा। अब हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस पेज पर मेटा कीवर्ड्स नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटा कीवर्ड्स अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ साइट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेटा कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मेटा कीवर्ड्स अब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आप किसी भी साइट में जाकर उस साइट का आप मेटा कीवर्ड्स देख सकते हैं सिंपली बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस यू। अगर उसने मेटा कीवर्ड्स यूज़ किया होगा तो आपको मेटा कीवर्ड्स ज़रूर दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शूज़ की वेबसाइट है तो आप अपने मेटा कीवर्ड्स में ऑनलाइन शूज़, शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर वुमेन जैसे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू यूज 3 to 4 कीवर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच टेल्स द सर्च इंजन अबाउट द कॉन्टेंट ऑफ योर पेज। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू कि आप मेटा कीवर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। सर्च इंजन आप पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे अगर आप मेटा कीवर्ड्स यूज़ करते हो या नहीं। बाय द वे, मेटा कीवर्ड्स इज़ नॉट अ रैंकिंग फैक्टर एनीमोर। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।